नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट में। आज दोस्तों ये हम लोग क्लास 10th के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की थर्ड वीडियो में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई जिसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को मैंने लिया था जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसी सिलसिले में ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ और इसमें भी मैंने कोशिश की अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने की जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो आपका बोर्ड का एग्जाम 2023 में कंडक्ट हो उसमें आपके कुछ इसमें से जो मैं वीडियोस फॉर्म कर रहा हूँ जिन क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हूँ वो क्वेश्चन आपके वहाँ पे पुटअप हो। चलिए दोस्तों, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा क्वेश्चन ध्यान से दोस्तों देखेंगे। कह रहा है अ मेटल एक्स एक्वायर्स अ ग्रीन कोटिंग। कोई मेटल है एक्स, वो क्या कर रहा है एक्वायर्स कर रहा है कैसी ग्रीन कलर की कोटिंग। दोस्तों कैसी कलर की कोटिंग, ग्रीन कलर की कोटिंग ऑन इट सरफेस ऑन एक्सपोजर टू एयर। जब उसको एयर में एक्सपोज कर रहे हैं तो उसके ऊपर कैसी कोटिंग हो रही है ग्रीन कलर की। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आइडेंटिफाई द मेटल एक्स। आपको उस मेटल को आइडेंटिफाई करना है एंड नेम द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इस, और इस फिनोमिनल के लिए जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए दोस्तों, आपको पता है जो एक्स मेटल है दोस्तों ये क्या है, कॉपर है। क्योंकि कॉपर दोस्तों क्या है, जब एक्सपोज होता है नेचर में तो एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर का फॉर्मेशन करता है जिसकी वजह से जो कॉपर का कलर जो आपका रेडिश ब्राउन होता है जनरली वो आपका कैसा होता है, ग्रीनिश इन कलर होता है। और इसके लिए जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों क्या होता है, कोरोजन। क्या होता है दोस्तों, कोरोजन आपका होता है। ठीक है चलिए आगे क्या कह रहा है दोस्तों। तो ए पोर्शन आपका क्लियर है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स, एक्स आपका कॉपर है और इसके लिए जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों क्या आपका, वो कोरोजन है। चलिए बी पोर्शन में क्या कह रहा है दोस्तों कि नेम एंड राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्रीन कोटिंग फॉर्म। तो आपको पता है दोस्तों कि कॉपर जब नेचर में एक्सपोज होगा तो किसके किसके कांटेक्ट में आएगा, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा कहाँ मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ एयर में। और यहां पे दोस्तों क्या बनाएगा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuOH ट्वाइस डॉट CuCO3। इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और दोस्तों इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। कैसा दोस्तों होता है, ग्रीन। तो आपने देखा होगा कि कॉपर के वेसल जो होते हैं या बर्तन जो भी होते हैं कुछ टाइम के बाद दोस्तों कैसे होते हैं, वो टार्निश्ड हो जाते हैं, उनका कलर आपका डल होता है, चेंज हो जाता है। क्यों, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कोरोजन। क्योंकि वो कहीं ना कहीं मॉइस्चर से, ऑक्सीजन से या आपका कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे। क्योंकि जब वो नेचर में एक्सपोज होगा एयर में तो ये कंटेंट आपका मिलेगा, उससे कंबाइन होंगे, किसी न किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे जिसकी वजह से इनकी जो शाइनिंग अपीयरेंस है वो दोस्तों क्या हो जाएगी, डल हो जाएगी। चलिए लास्ट पोर्शन क्या कह रहा है दोस्तों, सी पोर्शन क्या कह रहा है कि लिस्ट टू इम्पॉर्टेंट वेज टू प्रिवेंट द प्रोसेस। तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के बहुत सारे मेथड है। कोरोजन बेसिकली क्या होता है दोस्तों, मॉइस्चर और ऑक्सीजन, इन्हीं दोनों के कांटेक्ट में जब कोई आर्टिकल आपका आता है, साथ में कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी रिस्पॉन्सिबल होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस वगैरह भी होती है, बट बेसिकली वाटर और ऑक्सीजन, मॉइस्चर और ऑक्सीजन ही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ कोरोजन। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक आपका बेस्ट मेथड है। किसी लो रिएक्टिव मेटल्स को हम इस मेटल के ऊपर डिपॉजिट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इससे आपका ये दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ कोरोजन। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग नेक्स्ट मेथड दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, एलॉइंग। इस
किसी मेटल को लेस एक्टिव मेटल के साथ मिक्स करके हम नए एलॉय का फॉर्मेशन करेंगे। तो एलॉयिंग भी एक मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आयरन का आर्टिकल वगैरह आपका दोस्तों है तो वहाँ पे आप ऑयलिंग, ग्रीसिंग और पेंटिंग की हेल्प से भी आप रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मीन्स अगर आपने मॉइस्चर और ऑक्सीजन की कॉन्टेक्ट को ब्रेक कर दिया जनरली किसी भी आर्टिकल्स को, मेटल को, तो कहीं ना कहीं हम उसके कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म करने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या करा आपका सेकंड क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ मेटल एक्स, कोई मेटल एक्स है दोस्तों, इसका रिएक्शन किससे है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, किससे दोस्तों है, फेरिक ऑक्साइड से। और यहाँ पे कह रहा है कि हाईली एक्सोथर्मिक है ये रिएक्शन दोस्तों, कैसा है, हाईली एक्सोथर्मिक है। और कहाँ यूज होता है, ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में इस प्रोसेस का यूज हम लोग करते हैं। तो आपसे कह रहा है दोस्तों क्या है? कि आइडेंटिफाई द मेटल एक्स एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए आपको इक्वेशन भी लिखना है और इस मेटल एक्स को आइडेंटिफाई करना है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है एक्स जो एलिमेंट होता है दोस्तों क्या होता है, एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम दोस्तों आपका मेटल एक्स है जो कि यूज होता है किसमें, इन द ज्वाइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स जो आपका होता है। तो एल्युमिनियम का जब दोस्तों हम लोग रिएक्शन कराते हैं फेरिक ऑक्साइड से तो एक तरह का आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, बनता है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe। और यहाँ पे दोस्तों ये किस फॉर्म में होता है, मोल्टन फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है, हीट निकलती है दोस्तों, क्या निकलती है, हीट। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है और यहाँ पे बन रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और यहाँ पे इतनी हीट रिलीज हो रही है दोस्तों जिससे आपका जो आयरन है वो मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। और जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स में जो आपकी ज्वाइनिंग है या जो गैपिंग है उसको फिलअप करके उसको वो कवर कर ले रहा है। इस रिएक्शन को दोस्तों हम लोग एक स्पेसिफिक नाम से भी जानते हैं, एक स्पेसिफिक प्रोसेस होते हैं, इसको बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस, थर्मिट या थर्माइट प्रोसेस जो आपका होता है इस नाम से भी इसको जानते हैं। तो कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज थर्मिट प्रोसेस या व्हाट इज थर्माइट प्रोसेस, तो इसी रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। क्या होता है दोस्तों, द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद फेरिक ऑक्साइड टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मोल्टन फॉर्म ऑफ आयरन फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ द रेलवे ट्रैक्स इज नोन एज थर्मिट प्रोसेस या थर्माइट प्रोसेस, सिंस इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज विच हेल्प अस टू मेल्ट द आयरन एंड कन्वर्ट इट इन टू मोल्टेन फॉर्म सो डैट इट मे फिल द गैप्स बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स एंड ऑन कूलिंग इट गेट सॉलिडिफाई एंड ज्वाइन द गैप्स और फिल द गैप्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स। तो इस तरह से दोस्तों ये थर्मल प्रोसेस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपका बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कंडक्ट कराता हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेडी है और इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दिए हैं दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। एक चीज और दोस्तों आप लोग क्लियर कर लीजिएगा माइंड में, एग्जाम में कभी भी कोई भी रिएक्शन अगर आप लिखिएगा तो उसको बैलेंस फॉर्म में ही लिखिएगा। अगर आपका दिया है बैलेंस करके लिखने के लिए या नहीं दिया तो भी यू हैव टू राइट इट इन द बैलेंस फॉर्म सो दैट देयर इज अ लेस मार्क्स रिडक्शन चांसेस इन द बोर्ड एग्जाम। तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन लिखना है तो कोशिश ये करिए कि उसको आप बैलेंस फॉर्म में ही लिखें। क्वेश्चन में दिया है बैलेंस फॉर्म में लिखने के लिए या नहीं दिया, इट डजंट मैटर, बट वी हैव टू राइट द रिएक्शन जनरली इन बैलेंस फॉर्म इन योर बोर्ड एग्जाम। चलिए दोस्तों क्या कह रहा है कि कैल्शियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। यह दोस्तों कैल्शियम CA
ये वाटर से रिएक्शन करेगा, तो दोस्तों क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और साथ में क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये रिएक्शन दोस्तों कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। कैल्शियम के प्लेस पे सोडियम और पोटेशियम भी आप ले सकते हैं, तो भी आपका क्या बनेगा दोस्तों, बेस बनेगी और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे दोस्तों एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है, जब आपका कोई रिएक्टिव मेटल वाटर से रिएक्शन करता है तो पहले मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि फर्दर वाटर से रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करती है, और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों यहाँ पे ये रिएक्शन इतना रैपिड होता है कि डायरेक्टली हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक साथ लिखते हैं। इंटरमीडिएट की जो स्टेज है, जो फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड है प्लस आपका जो है वाटर के साथ रिएक्शन, वो आपका हिडन फॉर्म में होता है, और डायरेक्टली हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं। बट आपका इंटरमीडिएट स्टेट होती है, मेटल ऑक्साइड बनेगा जो कि फर्दर वाटर से रिएक्शन करेगा, तब बनेगा दोस्तों मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रो गैस का फॉर्मेशन होगा, लेकिन रिएक्शन रैपिड होने की वजह से डायरेक्टली हम इस प्रोसेस को लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या रहा दोस्तों, चिनेबार। क्या दोस्तों, चिनेबार। तो मरकरी सल्फाइड की जो ओर होती है उसको हम चिनेबार भी बोलते हैं दोस्तों। क्या, मरकरी सल्फाइड HGS, इसको हीट कर रहे इन प्रेस ऑफ एयर। तो जैसा कि आपको मैंने दोस्तों पिछली वीडियो में बताया था कि हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन प्रेस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रोस्टिंग। ये आपका रोस्टिंग का प्रोसेस होता है, जहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनती है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपका रिलीज होती है। तो ये रोस्टिंग का प्रोसेस है दोस्तों, इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे 2 आपने लगा दिया, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 हो गया, तो आपका ये सब बैलेंस हो जाएगा। यहाँ से लगा देंगे आपका ऑक्सीजन भी दोस्तों क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहते दोस्तों, मैग्नीज डाइऑक्साइड, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, MN जो सिंबल है मैग्नीज का है, और MG जो सिंबल है दोस्तों मैग्नीशियम का है। किसका है, मैग्नीशियम का, लेकिन आपको यहाँ पे लेना क्या है, मैग्नीज। ठीक है, कह रहा मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो MnO2 का रिएक्शन दोस्तों किससे है, एल्यूमिनियम पाउडर से। तो क्या बनेगा दोस्तों, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और यहाँ पे मैग्नीज आपका फॉर्म हो जाएगा। ये भी एक तरह का क्या दोस्तों है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है किससे, आपके मैग्नीज से, तो इसलिए यहाँ पे आपका दोस्तों क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्म हो रहा है। इसको चलिए हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, 2 ले लिया, यहाँ हो गया 4Al हो गया। ठीक है, और T2+6 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 ले लेंगे और यहाँ पे भी 3, तो ये रिएक्शन दोस्तों क्या हो गया, बैलेंस फॉर्म में आपका हो गया। ये भी क्वेश्चन इजी है, काफी इजी है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, और इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपका इस वीडियो को एंड कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियोस में कुछ नए क्वेश्चंस को आपको कनेक्ट कराऊंगा। चलिए दोस्तों क्या कह रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, कुछ क्वेश्चंस को मैं इजी भी रखता हूँ ताकि आप लोग का जो कंसंट्रेशन है दोस्तों यहाँ पे मेंटेन है, और NCERT के क्वेश्चंस को भी मैं एक दो इस वीडियो में पुट अप कराऊं अपनी वीडियोस में, ताकि आप लोग का जो इंटरेस्ट है वो भी क्रिएट हो। तो चलिए दोस्तों इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी माइनर मिस्टेक्स हो जाते हैं। कह रहा क्या कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दोस्तों आपको ध्यान देना यहाँ पूछ क्या रहा है, मेटल, तो गलती से आपने अगर नॉन मेटल का एग्जांपल दे दिया तो आपका आंसर वही क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको दोस्तों पता है कि अगर मेटल की बात होगी तो HG मरकरी जो आपका मेटल होता है दोस्तों वो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है, लेकिन अगर यही नॉन मेटल की बात होगी दोस्तों, किसकी, नॉन मेटल की, तब आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, किसके लिए, नॉन मेटल्स के लिए। तो इस चीज को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों कि क्वेश्चन में मेटल कह रहा है या नॉन मेटल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, सी बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेटल आपको बताना है, केप्ट इमर्जिंग केरोसिन फॉर द स्टोरिंग। तो आपको दोस्तों पता है कि सोडियम और पोटेशियम हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, तो बेसिकली इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, ताकि इसका जो ऑक्सीजन या मॉइस्चर से रिएक्शन आपका
ना हो, इसलिए इसको हम स्टोर करने के लिए केरोसिन ऑयल का यूज करते हैं। तो मेटल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सोडियम है पोटेशियम। तो बेसिकली यहाँ पे सोडियम ही बेस्ट एग्जांपल होगा, लेकिन हम पोटेशियम को भी कंसीडर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा सी पोर्शन में क्या कह रहा है कि आपका मेटल बोथ मेलेबल एंड डक्टाइल। तो सिल्वर होता है दोस्तों, गोल्ड होता है आपका, ठीक है, एल्यूमिनियम होता है आपका, कॉपर होता है, आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। दीज आर द मेटल्स विच आर मेलेबल एंड डक्टाइल, जो कि मेलेबल भी है और डक्टाइल भी। मेलेबल मीन्स दे कैन बी बीटन इन फॉर्म ऑफ थिन शीट, इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोलते हैं, और डक्टिलिटी इसको मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करके आप थिन वायर में जो ड्रॉन कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। चलिए डी पोर्शन में कह रहा है इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पे बेस्ट कंडक्टर की दोस्तों अगर बात होगी तो सिल्वर, चाहे वो हीट की बात हो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, हम दोनों के लिए किसको कंसीडर करेंगे, सिल्वर को। यहीं पे दोस्तों अगर पुअर कंडक्टर की बात हो, किसकी, पुअर की, किसकी दोस्तों, पुअर की, तो हम लोग लेड को कंसीडर करेंगे, पीबी प्लम्बर। जो लेड है ये दोस्तों आपका क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस तरह से दोस्तों कभी कभी छोटे क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल साबित हो सकते हैं, अगर आपने उसको सीरियस नहीं लिया, उसके कंटेंट को सही से नहीं देखा, तो माइनर मिस्टेक से आपके सिली पॉइंट, सिली मिस्टेक से आपके इंपॉर्टेंट मार्क्स जो हैं, जो जिसको आप आसानी से गेन कर सकते हैं, वो आपके कट सकते हैं। तो कभी भी क्वेश्चंस दोस्तों पढ़िएगा तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर उसको एंड तक पढ़िएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्योंकि अगर आपने हाफ क्वेश्चन किया तो आंसर पूछेगा कुछ और, आप देंगे कुछ और। तो इसलिए आप इस चीज़ को अलर्ट रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पढ़िएगा पूरी तसल्ली से, क्वेश्चंस को एंड तक पढ़िएगा, क्योंकि अगर एंड तक नहीं पढ़े तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके लिए है। वो कहावत भी है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए, तो आपको एक एक मार्क्स चुराने हैं, तो इसके लिए हर क्वेश्चंस को तसल्ली से एंड तक आपको पढ़ना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ जो कि और ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ और चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंडक्ट कराऊंगा। इसके बाद कुछ और भी आपके मैं इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा कि कैसे आप लोग बोर्ड के एग्जाम को फेस करेंगे, तो आपका जो बोर्ड एग्जाम को फेस करने का फोबिया है वो भी आपका दूर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, इस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।